हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी पोर्टल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं होमगार्ड भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर होमगार्ड के लगभग 18,000 पदों पर सीधी भर्तियां होने जा रही हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए खास बात ये कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास होंगे तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी केवल और केवल 10वीं पास कर रखा है और आप भी होमगार्ड की पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर होमगार्ड के लगभग 18,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए बात करेंगे हु कैन अप्लाई। तो यहाँ पर ऑल इंडिया के मेल एवं फीमेल, यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास होंगे तो आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कम्प्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं होमगार्ड भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर होमगार्ड के पदों पर 2021 की सीधी भर्तियां होने जा रही हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि यहां पर होमगार्ड की भर्ती के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, साथ में यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए सैलरी क्या दी जाती है, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी होमगार्ड की पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आप लोग भी आवेदन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर होमगार्ड के लगभग 19,000 पदों पर भर्ती होगी, जहाँ पर बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई मोड के बारे में तो ऑनलाइन कर रहेगा। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल, यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल, यहाँ पर एसिस्ट के लिए 5 वर्ष की तथा ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन राइटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ में फिजिकल एफएमसी टेस्ट, साथ में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास होंगे तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी लगभग 15,400 रुपये पर मंथ की। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मेल के लिए हाइट मांगी जाएगी 167 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए, वहीं एसटी वालों के लिए यहां पर 160 सेंटीमीटर, वहीं हिल स्टेशन वालों के लिए 162.6 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए यहां पर बात करेंगे तो यहां पर 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। बात करेंगे यहां पर इस वैकेंसी के लिए इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पर जल्दी इस वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। साथ में आप सभी को बता दें कि अभी हाल में लगभग रेलवे के डिपार्टमेंट से 7,000 पदों पर, पुलिस डिपार्टमेंट
संघ की तरफ से सातवें, डीआरडीओ के डिपार्टमेंट से सातवें फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर एवं एफसीआई वॉचमैन के पदों पर सीधी भर्तियां जारी हो चुकी हैं, जिनके लिए केवल और केवल पाँचवीं आठवीं दसवीं पास मांगा गया है। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल पाँचवीं आठवीं या फिर दसवीं पास हैं तो आप लोग उन वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन कर लें, जिनका अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, साथ में आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा www.alljobgyan.com पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी व वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग होम गार्ड की वैकेंसी संबंधित सभी अपडेट अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।